नमस्कार दोस्तों, Redmi 7A के लिए अपडेट मिल गया है और ये जो अपडेट मिला है ना काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। लेकिन एक बार समझिएगा, Xiaomi के डेवलपर की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है और टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। टेलीग्राम के ऊपर उसका मैं खुद मेंबर हूँ, तो जो भी इन्फॉर्मेशन वहां पर आती रहती है मैं आप सभी को शेयर करती रहता हूँ, चाहे वो मेरे टेलीग्राम के माध्यम से हो या इसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी फेक नहीं होता है। जरा बात समझिएगा, ये जो अपडेट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है जरा समझिएगा। इस अपडेट में आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट किया जा रहा है और इस टेक्निकल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है और जिस चीज से आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते वो है आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी। और इस अपडेट में सिक्योरिटी को ही बढ़ाया जा रहा है। मार्च से हटाकर अप्रैल या मई कर दिया जाएगा। अभी डिपेंड करता है कि आप में जो अपडेट ये कब का है। अगर आप अप्रैल का है तो मई कर दिया जाएगा, मार्च का है तो अप्रैल कर दिया जाएगा। अभी जो सिक्योरिटी पैच को बढ़ाने की जो परंपरा चल रही है, जो रियलमी के आने के बाद बहुत ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि रियलमी हर मंथ अपने डिवाइस को हर एक डिवाइस को अपडेट देते रहता है, हर मंथ सिक्योरिटी पैच अपडेट करता है। लेकिन जो रेडमी है इनफैक्ट एक मंथ पीछे अपडेट करता है, मतलब रेडमी इस महीने में हल्का स्लो है, रियलमी आगे है। उसीलिए कंपटीशन है रेडमी और रियलमी में काफी ज्यादा बढ़ गया है। उसीलिए अब रेडमी भी हर चाह रहा है कि हर मंथ हम अपने सिक्योरिटी पैच को अपडेट कर दें, जो कि काफी अच्छी न्यूज है इस समय और आप सभी के लिए। रेडमी 7A के लिए सब कुछ कवर करूंगा, ऑलरेडी बहुत सारे मॉडल के लिए कवर कर रहा हूँ और रेडमी 7A के लिए MIUI 12 से अपडेट से रिलेटेड सारे वीडियो कवर करूंगा और जितने भी इसके प्रॉब्लम आएंगे, जितने भी बग्स आएंगे सब कुछ बताऊंगा कैसे कैसे दूर करना है। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब एक बात और समझिएगा, अगर आप YouTube पर आना चाहते हो, आपके पास दम है कि हम कंटेंट अच्छा ला सकते हैं, YouTube चैनल बना सकते हैं, हम सक्सेस पा सकते हैं, ये कहना थोड़ी सी मुश्किल होता है इस समय क्योंकि बहुत सारे लोग YouTube पर आ रहे हैं। लेकिन ये जो लॉकडाउन का समय है, ये समय और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी अब लॉकडाउन जो लॉकडाउन है वो 31 मई तक एक्सटेंड हो गया है। ये तो काफी समय काफी इंपॉर्टेंट है। आप YouTube पर आ सकते हैं। ऑलरेडी मेरे 7 से 8 से 9 वीडियो शायद 18 पे आ गए हैं, 1 से 2 वो वीडियो YouTube पर भी आ गया है कि YouTube पर चैनल कैसे बनाए, आप उन वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। YouTube पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है वो भी उसका भी आ गया है। YouTube पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका Part 2 आज या कल तक आ जाएगा। तो यानी सब कुछ मैं कवर कर रहा हूँ, बेसिक से पूरे एडवांस तक जाऊंगा, बेसिक से जाऊंगा। अगर आप यूट्यूबर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब मैं एडवांस में जाऊंगा आपको काफी मदद होगा। और बेसिक वाले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को देखना है और आगे आने वाला और वीडियो में और भी चीजें आपको बताते रहूंगा। अभी देखना दो चीजें होंगी, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में रिकवरी रोम का मैं लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। OTA का लिंक जैसे ही आएगा अपडेट करवा दूंगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, रिकवरी रोम पर डाउनलोड करके उसको फ्लैश कर सकते हैं, आसानी से फ्लैश हो जाता है, कुछ उसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। 11.0.5 का अपडेट है तो काफी आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं होता है। अभी तक के लिए बस इतना ही, कल तक के लिए सब्सक्राइब करती रहिएगा। वी देवी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।